जावेद आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बैकुंठपुर में दिन दहाड़े चली गोली, नकाबपोश बदमाशों ने डॉक्टर दिवाकर सिंह को मारी गोली। उनके सर के पास से कान को छूती हुई निकली गोली। डॉक्टर को लाया गया रीवा के संजय गांधी अस्पताल, जहां पे वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। संभागीय मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर में दिन दहाड़े दो अज्ञात बदमाशों ने डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर घुसकर डॉक्टर को मारी गोली। डॉक्टर को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां पर उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। डॉक्टर के कान को छूती हुई गोली निकल गई। तत्काल ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। डॉक्टर को इलाज के लिए पहले बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उनकी हालत को देखते हुए तत्काल ही उनको रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर को आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में भर्ती करके उनका उपचार प्रारंभ कर दिया गया। फिलहाल डॉक्टर का सीटी स्कैन हो चुका है। डॉक्टर अब उनको खतरे से बाहर बता रहे हैं। जिस तरीके से आज सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास दिन दहाड़े भीड़ वाले इलाके में डॉक्टर को गोली मारी गई, तरह तरह के सवालों को जन्म देती है। ये घटना साफ तौर से बताती है बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है, हमने चारों तरफ घेराबंदी कर दी है, हम शीघ्र ही पकड़ लेंगे। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर मानी जाए तो डॉक्टर के क्लिनिक के पास बगल में ही मेडिकल की दुकान संचालित करने वाले व्यक्ति का कहना था, दो लोग आए, एक मोटरसाइकिल के पास ही बैठा रहा, दूसरा क्लिनिक के अंदर गया। उसने नर्स से पूछा डॉक्टर दिवाकर कहाँ है। पता चला डॉक्टर दिवाकर सामने बैठे हैं। उसने तत्काल ही उनके ऊपर फायर किया और दौड़ता हुआ अपनी मोटरसाइकिल पर आया। दोनों लोग जब तक कोई कुछ समझ पाता मौके से फरार हो गए। डॉक्टर दिवाकर सिंह सुबह अपने क्लिनिक में बैकुंठपुर में बैठे हुए थे, उसी से और अपने पेशेंट को देख रहे थे। इसी बीच जो है एक मोटरसाइकिल पे दो युवक आए और एक युवक अंदर आकर के उनसे बातचीत किया और फायर कर दिया, जिससे उनके सर के दाहिने तरफ हल्की सी छूती हुई गोली निकल गई है। उनकी सूचना पर तत्काल जो है पुलिस वहां पहुंच गई है। प्राथमिक उपचार कराने के बाद SGMH में लाया गया है। अभी गोली चलने का कोई कारण स्पष्ट समझ में नहीं आया है। बदमाशों के पीछे पुलिस जो है फॉलो कर रही है और विभिन्न टीमें बना करके पता साजी हेतु भेजी गई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना जारी। डॉक्टर दिवाकर सिंह अभी 15 मिनट पहले हमारे अस्पताल में लाया गया है। इनको बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी है। घाव खोल के देखने के बाद स्किन मतलब लैसरेशन था, फट गया है, वहाँ से कान के बगल से गोली निकल गई है और उसे उसके फटना पाया गया था। सीटी स्कैन कराया गया, अभी स्थिति स्टेबल है और पूरी जानकारी सीटी स्कैन के बाद लुकाई गई। गोली चलने का मतलब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में बैठे थे, बैकुंठपुर में अपनी क्लिनिक चलाते हैं, क्लिनिक में बैठे थे तो अज्ञात अपराधियों ने नकाब पोश थे, मुंह बांधे हुए थे, गए और डॉक्टर साहब पूछे आप डॉक्टर दिवाकर सिंह हैं, तो डॉक्टर साहब बोले हाँ। और इतने में उनके जो सहायक है नर्स रहती हैं, तो उन्होंने भी बाहर निकले और उन्होंने गोली मार के भाग दिए दोनों नकाब पोश। डॉक्टर साहब वहाँ क्लिनिक है, उनका घर भी है वहीं पर और मेरा परिवार उनका यहाँ पर रहता है ताला हाउस रीवा में। कोई विवाद नहीं, बहुत सरल स्वभाव के डॉक्टर थे। इनका 50 रुपये फीस है आज भी और लगभग ये जो है तो बड़े सरल है, 10-5 लोगों का फ्री इलाज करते हैं दिन भर। मैं मेरा कॉम्प्लेक्स में दुकान है, ऑनलाइन की एक मेडिकल स्टोर है मेरा बगल उन्हीं के कॉम्प्लेक्स में मेन रोड में। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।